मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर बना तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारतीय जनता पार्टी को बड़े प्रसाद के तौर पर बिहार के जो सत्ता है वह उसकी झोली में आ गई। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और रामलला के मिले इस प्रसाद के बाद जय श्री राम के नारों से आज बिहार का राजभवन भी गूंज उठा। दरअसल आज मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने वहां शपथ ली। दौरान वहां पर जनता दल यूनाइटेड और जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे उन सब में नारे लगाने की होड़ भी दिखी और जनता दल यूनाइटेड के समर्थकों ने वहां जहां जोरदार तरीके से नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए तो वहीं भाजपा समर्थक जो लोग थे उन लोगों ने वहां जय श्री राम के नारे से राजभवन को गुंजायमान कर दिया। दरअसल आज जो राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ इस दौरान शपथ लेने वालों में सबसे पहले नीतीश कुमार रहे जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। तो नीतीश कुमार जिनकी NDA में कहा जाए तो घर वापसी हुई है, तो एक 17 महीने से ज़्यादा समय का वनवास काट करके नीतीश जब आज NDA में वापस आए हैं तो देश में भी कई अलग अलग तरीके के जो घटनाक्रम हैं इन 17-18 महीनों में देखने को मिले हैं, जिसमें एक बड़ा काम यह हुआ कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हो गया और इसी महीने 22 जनवरी को वहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब भीतर खाने तो यह भी बातें कही जा रही है कि भाजपा को राम का आशीर्वाद मिला है और श्री राम के आशीर्वाद से ही बिहार में पुनः NDA की सत्ता में वापसी हुई है। तो आज इस प्रसाद का असर राजभवन में भी देखने को मिला, जैसा आप जो इस वीडियो में भी देख रहे होंगे और जो वहां पर तमाम जो चीजें सामने आई कि जब नीतीश कुमार ने जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उसके बाद पूरा का पूरा राजभवन का जो हॉल था जहां पर कि शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था वह नारों से गूंज उठा। एक ओर नारे लगाने वाले लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे तो दूसरी ओर इनकी देखा देखी जो वहां मौजूद जदयू के समर्थक थे, नीतीश कुमार के समर्थक थे, उन लोगों ने भी नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। हालांकि जय श्री राम का नारा इतना जोरदार था कि एक बार तो जो लोग नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू हुए थे वह भी शुरू में जय श्री राम का ही नारा लगा रहे थे, लेकिन बाद में अपने नेताओं के देखा देखी उन्होंने अपने बोल बदले और नीतीश कुमार जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पूरा का पूरा राजभवन जय श्री राम के नारों से गूंजता रहा और एक लंबे अरसे के बाद यह देखने को मिला जब राजभवन में कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ हो, विशेषकर जो शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो उस दौरान जय श्री राम के नारे लगे हों। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह कहा जा सकता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला ने एक बड़े प्रसाद के तौर पर भाजपा की झोली में बिहार की सत्ता गिरा दी, तो अब रामलला के प्रति अपना जो उनके समर्पण है वह समर्पण दिखाते हुए भाजपा के लोगों ने आज राजभवन में भी जय श्री राम के नारे लगा करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई है कि रामलला आप आए हैं तो बिहार में हम सत्ता में पुनः वापसी कर लिए हैं। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा
अथवा मुझे ज्ञात होगा और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबसे सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।